Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी ने देश के रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। क्या पत्र में उनके द्वारा लिखा गया है और रक्षा मंत्री से क्या कुछ मांग की गई है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आइंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित, बताइए डॉक्टर अम्मार रिजवी जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ मांग की है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक पत्र के जरिए? जी प्रियांशु जी, कई बिंदुओं पर जो है मांग है उन्होंने की हुई है, और जो पहला बिंदु है उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार चित्रकूट अत्यंत धार्मिक स्थान है, उसी प्रकार जनपद सीतापुर भी एक धार्मिक स्थान है। इसी जनपद में नैमिषारण्य व मिश्रिक भी है। नैमिषारण्य में ही महर्षि व्यास जी की गद्दी भी है। पुराणों की रचना इसी स्थान पर हुई थी। यही पर महर्षि व्यास ने वसुधैव कुटुम्बकम का नारा दिया था। यही वह जनपद है जहाँ पहली बार सत्यनारायण की कथा हुई थी। इसलिए सीतापुर को भी चित्रकूट की तरह एक मंडल का स्थान दिया जाना बहुत जरूरी है। तो वही दूसरी मांग की अगर बात की जाए, बिंदुवार तरीके से मैं आपको बताऊं, तो लिखा है कि सीतापुर जो 1857 से पहले एक कमिश्नरी की हैसियत रखता था, उसे पुनः चित्रकूट के आधार पर कमिश्नरी बनाया जाए। तीसरे बिंदु में उन्होंने जो मांग की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, रेउसा, बेहटा, तंबौर व लहरपुर जनपद सीतापुर के अत्यंत पिछड़े होने के कारण गांजरी क्षेत्र कहे जाते हैं। इस जनपद में 7-8 नदियां होकर गुजरती हैं। सबसे बड़ी नदी घाघरा है, जिसे उत्तर प्रदेश का ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह पूरा इलाका यातायात के समुचित साधन न होने के कारण आर्थिक, व्यापारिक एवं शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़ा है। इसलिए एक रेलवे लाइन महमूदाबाद से पैतेपुर, चांदपुर, रामपुर मथुरा, थानगांव, रेसा, तंबौर और लहरपुर होते हुए हरगांव तक बिछाई जाए, जिससे यह पिछड़ा हुआ जिला प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर हो सके और इस गांजरी सैलाबी इलाके के विकास के द्वार खुल सके। तो वही मांग की है उन्होंने अन्य बिंदु पे कि महमूदाबाद में वर्षों से बंद कताई मिल, जिसे हमने 1980 में बनाया था, उसे पुनः चालू किया जाए। यदि ऐसा ना हो सके तो उसकी जगह कोई अन्य कारखाना लगाया जाए। महमूदाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से मौलाना आजाद रूरल विश्वविद्यालय महमूदाबाद की स्थापना का जो प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकार में विचाराधीन है, उसकी स्थापना की अनुमति दिलाई जाए। जिस प्रकार लखनऊ सिधौली मार्ग पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ओवरब्रिज महमूदाबाद में बना हुआ है, निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार लखनऊ सिधौली मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना है। यहाँ पर उन्होंने और भी लिखा है कि यहाँ पर आपके ध्यान में एक और बात लाना है कि 1857 के बाद सीतापुर पूरे देश का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट हुआ करता था। आज भी हजारों एकड़ जमीन यहाँ मौजूद है। इस पर वृहद वृक्षारोपण किया जाए और यहाँ पर रक्षा विभाग का कारखाना लगाने की स्वीकृति देने की कृपा करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और देश के रक्षा कार्यों में यहाँ के लोग सक्रिय योगदान दे सके, योगदान हो सके यहाँ के लोगों का। और बाद में उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें पूरा विश्वास है कि विकास के प्रति जो आपकी रुचि व लगाव है, उसे देखते हुए आप हमारी उपरोक्त जनहित की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने एवं इन्हें क्रियान्वित करने का कष्ट करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी मांगे की है जो यूपी के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं सीतापुर के, और सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में उनका निवास भी है और वहाँ पे उनका डिग्री कॉलेज भी है, और हमेशा से ही वो जो लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको उनके लिए पत्र भी लिखते हैं, उनकी समस्याएं उठाते भी हैं समय समय पर, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ
सिंह को डॉक्टर अम्मार रिजवी जी ने जो पत्र लिखा है उसमें सीतापुर को मंडल बनाने के साथ ही कमिश्नर बनाने की भी मांग की है। वहीं जो गांजरी इलाका है महमूदाबाद रामपुर मथुरा रेउसा बेहटा तंबौर व लहरपुर से होकर हरगांव तक एक रेल लाइन बिछाने की मांग की है, क्योंकि यातायात का जब साधन सुलभ होगा तो वहां पे आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा। साथ ही महमूदाबाद में जो बंद पड़ी है कताई मिल उसे पुनः चालू करवाने के, अगर वो ना हो पाए पुनः चालू तो उसकी जगह कोई अन्य कारखाना लगवाने की भी मांग की है। यही नहीं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है महमूदाबाद के रहे अबुल कलाम आजाद के नाम पर मौलाना आजाद रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रकरण उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है, उसकी स्थापना की जाए। और जो लखनऊ सिदौली मार्ग पर एक ओवरब्रिज बनना है उसी आधार पर लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवरब्रिज निर्माण की उन्होंने मांग की है पत्र के जरिए। साथ ही सीतापुर में जो कैंटोनमेंट की जमीन पड़ी हुई है वहां पे वृहद रूप से वृक्षारोपण करवाने के साथ ही जो रक्षा विभाग का यहाँ कारखाना लगवाने की भी मांग की है ताकि लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो पाए। तो इस तरह से ये लोगों की समस्याओं के साथ रोजगार की दृष्टि से भी उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है और पत्र में अपने अंकित किया और बड़ी मांग की है रक्षा मंत्री राजनाथ जी। प्रियांशु जी, जो बिंदु इसमें जो आपको आपने अभी बताए हैं दर्शकों को वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले बिंदु की बात की जाए तो उसमें आप देखिए कि नैमिषारण्य के अस्तित्व की एक लड़ाई जरूर लड़ी जा रही है कि इसको किस तरीके से चित्रकूट की तरीके से मंडल का स्थान दिया जाए, कमिश्नरेट बनाया जाए। और दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं, जो इन्होंने बताया है अमार साहब ने जो लिखा हुआ है कि जो घाघरा नदी, देखिए घाघरा नदी का प्रकोप काफी समय से रामपुर मथुरा थानगांव रेसा तंबौर जैसे इलाकों में देखने को मिला है। इसमें अगर कुछ सुधार होता है, इसमें कुछ अगर विकास होता है तो वाकई में ये माना जा सकता है कि गांजरी जो क्षेत्र है उस इलाके में विकास के द्वार खुल सकेंगे। और अम्मार साहब हमेशा से जो जिन्होंने कताई मिल का एक बहुत बड़ा मुद्दा कताई मिल का है प्रियांशु जी, क्योंकि कताई मिल को बंद हुए काफी समय हो गया, एक बड़ा दायरा है, एक सरकारी भूमि बड़ी खाली पड़ी है, वहाँ जंगल बना जा रहा है, वहाँ चीजें अस्त व्यस्त होती जा रही हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही कही जा सकती है वो। और ऐसे में यदि उसमें कताई मिल दोबारा न लग सके तो कम से कम अन्य मिल लग जाए, क्योंकि प्रियांशु जी ये आप भी जानते हैं। और पूर्व में अम्मार रिजवी का आई इंडिया ने जब साक्षात्कार किया था तो उसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि जब एक जो कारखाना खुलता है तो आसपास कपड़ों की दुकान होती है, आसपास स्टेशनरी की दुकान होती है, होटल होते हैं, ढाबा होते हैं, तमाम रोजगार के अवसर तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से जो महमूदाबाद, क्योंकि मैं निवासी हूँ, संवाददाता हूँ महमूदाबाद का, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे लखनऊ सिदौली मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग बन रही है, काफी जाम से निजात लोगों को मिल सकेगी। लेकिन लखनऊ की ओर जो है अभी भी रेलवे क्रॉसिंग के पास बाईपास तो बन गया है, लेकिन ओवरब्रिज बनाना वास्तविकता में अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि अधिकांश चाहे वो व्यापार लाइन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कुछ जो जैसे कुछ शिक्षक आते हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, गवर्नमेंट शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, ये जाम के जाम में इस कदर फंस जाते हैं। या अगर एम्बुलेंस संबंधित सेवाओं का अगर आप सेवा लेकर के लाभ लेकर के उस रास्ते से गुजर रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे में जाम की जाम में फंसने के बाद कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, ये बेहद जरूरी हो गया है। और महमूदाबाद में प्रियांशु जी, महमूदाबाद में बहुत जमीन है, कैंटोनमेंट की बहुत व्यापक स्तर पे जमीन है। आप ये समझ सकते हैं कि जितने में महमूदाबाद बसा हुआ है उससे ज्यादा जो एरिया बचा हुआ है उसमें अभी भूमियां खाली पड़ी हुई हैं, और अगर उसमें रोजगार का या उसमें जो है कोई काम होता है, वृक्षारोपण होता है या रक्षा विभाग का कारखाना लग जाता है, तो मुझे लगता है ये महमूदाबाद के लिए बड़ी बात होगी। और जो मौलाना आजाद रूरल यूनिवर्सिटी की मांग है, मेरे ख्याल से पूर्व कारवाक मुख्यमंत्री काफी समय से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में आसपास आप देख लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा जनपद वासियों के लिए कोई भी अवसर नहीं है। खासकर महमूदाबाद में अगर बच्चे को इंटरमीडिएट के बाद बाहर पढ़ने जाना होता है तो उसके पास संभावनाएं कम होती हैं, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। ऐसे में प्रियांशु जी ये जो मांगे हैं, मुझे लगता है कि जनहित की मांगे हैं,
और यदि इनमें से कुछ बिंदु पर ही यदि उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर लेगी और उनको क्रियान्वयन में लाएगी तो महमूदाबाद की जनता के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो रोजगार के साथ ही उन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी मुहैया करने की बात अपने पत्र में कही है, और अगर इसमें से एक या दो मांगे भी मान ली जाती हैं या रक्षा मंत्री उन पर ध्यान देते हैं और काम शुरू होता तो कहीं ना कहीं सीतापुर के साथ जो महमूदाबाद का जो इलाका है वहां के लोगों में की जीवन में क्रांतिकारी बदलाव जरूर आ सकता है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।